प्रथला विधानसभा के मोहना गांव की रहने वाली डोली की 6 साल की मेहनत आज रंग लाई है। डोली ने नेशनल गेम्स में गुजरात से तीरंदाजी में ब्रांज मेडल जीतकर अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर डोली के कोच ने बताया कि डोली पिछले 6 सालों से मेहनत कर रही है और आगे इसका लक्ष्य एशियन गेम्स में जाना है, जिसको लेकर वो दिन रात मेहनत कर रही है। मैं गुजरात नेशनल खेलने गई थी, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। इस सफर तक पहुँचने में कितनी मेहनत आपकी रही है? मैं 8-7 साल से बहुत मेहनत कर रही हूँ, जब जाके यहाँ तक पहुँची। और अब आगे के लक्ष्य की बात करें तो मेहनत के साथ आगे क्या कुछ अचीव आप करना चाहती हैं? मैं अभी बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं अपने स्कूल वालों का, अपने गाँव का, अपने माँ बाप का नाम करना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। हरियाणा सरकार की खेल नीतियों को कैसी लगती हैं आपको? अच्छी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की खेल नीतियां लोगों में ऊर्जा भरने का काम करती है। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तत्पर रहती है। डोली को यहां तक पहुंचने में 6-7 साल लग गए और उसका अथक प्रयास रहा है यहां तक पहुंचने के लिए। उसने 2016 में गेम स्टार्ट किया था, कई बार गोल्ड मेडल आया है उसका स्टेट लेवल में। 2019 में वो नेशनल में पहुंची थी पर किसी कारणवश मेडल नहीं आ पाया। उसके बाद 2020 में इसका सिलेक्शन हो गया था नेशनल के लिए, लेकिन गेम नहीं हो पाए। 2021 में फिर इसका सिलेक्शन हो गया था नेशनल के लिए, लेकिन कोरोना के कारण फिर गेम स्थगित हो गए थे। 2022 में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 23 में इसका सिलेक्शन हो गया तो ये गुजरात में अभी गेम चल रहे थे, वहाँ पर इसने ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया है। कौन से गेम हैं ये और कितनी तारीख को हुए थे? ये सर 9-10 तारीख को हुए थे। ये तीरंदाजी के गेम थे, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के गेम थे, गुजरात में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। सर अगर बात करें हरियाणा सरकार की खेल नीतियों की तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छी नीति है सरकार की, बहुत प्रोत्साहन देती है बच्चों को। वही डोली के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी को बेटे की तरह पाला है और आज बेटी ने उनका सर फकरे से ऊंचा कर दिया है। आज पूरे गांव और क्षेत्र में उन्हें उनकी बेटी के नाम से जाना जा रहा है और इसी तरह की मेहनत उन्हें और ऊंचाइयों पर पहुंचने में कामयाब होगी। बहुत खुशी का हुआ जी, और हम तो ये चाहे गाँव का नाम और अपने प्रांत का, देश का नाम करे और आगे चल के दिन रात मेहनत करती है और हम पे जो सहयोग है हम तो कर ही रहे हैं। तो इस मुकाम तक पहुंचने में बेटी की कितनी मेहनत लगी है? बेटी की जी दिन रात मेहनत कर रही है, रात को रात ना देख रही, दिन को दिन नहीं देख रही। शहर तक आना जाना बहुत होता है जाने के लिए, रात दिन में जाती है, रात को आती है 7-8 बजे और हम इंतजार में बैठे बैठे सोचेंगे बेटी का बारे में आज कल ऐसा ही टाइम है। तो आज बेटी मेडल जीत कर लाई है, कितनी खुशी का माहौल है आज? हमें खुशी बहुत ज़्यादा है,